2019 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में नेताओं ने सियासी फायदे को देखते हुए दल बदलने शुरू कर दिए हैं। राजधानी लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे की मौजूदगी में कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इनमें से ज्यादातर सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी समेत निर्दलीय नेता शामिल हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि गांधी और पटेल का इस्तेमाल किया गया। गांधी का इस्तेमाल किया, लेकिन गांधी को भूल गए, पटेल को भूल गए। आज गांधी के स्वच्छ भारत अभियान को बल देते हुए, गांधी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, गांधी का चश्मा आज हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत का प्रतीक बना हुआ नरेंद्र मोदी ने काम किया। वहीं महेंद्रनाथ पांडे ने दावा किया कि आने वाले 2019 चुनाव में बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी और नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।